एकदम एकदम हाथी एकदम बहुत बड़ी। तो सिटीज में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल मेरे को लग रहा है अभी। तो जैसे बता रहा था अभी कैमरा जो है ना एकदम हैंग कर गया। तो अभी यहाँ से लेके निकल चुके हैं अपनी 390, मतलब अपनी नहीं, थोड़ा सा ये अच्छा लग रहा है इसका है ना, मतलब कंपेयर टू उससे, मतलब ये लग रही है हैवी और बल्क, और डर भी लग रहा है कि ट्रैफिक में कुछ हो ना जाए, क्योंकि ये अपनी गाड़ी नहीं है। देखो मेरे को आरसी में है ना जितना कॉन्फिडेंट मिल रहा है उतना इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि ये रोड पे थोड़ी सी बल्क हो जाती है। और फिलहाल के लिए चलो देखते हैं, क्योंकि ये तो होगा नहीं हमसे। ऑफ रोडिंग के लिए एक्सपल्स ठीक है अभी फ़िलहाल के लिए, जितना मैं ये किया हूँ एक्सपीरियंस, क्योंकि कंपेयर टू इससे जो है ना माइलेज बहुत अच्छा है उसका। तो चलो एक साइड पे रोक के बताता हूँ क्या, मतलब क्या क्या अच्छा इसमें लगता है, क्या खराबी है। तो सबसे पहले बात करते हैं राइडिंग पोस्चर की। तो राइडिंग पोस्चर एकदम बढ़िया है, और किधर साइड में रुक के है ना इसका, आज तैनार। तो चलो यार, मेरे को ये वाला डिस्प्ले अच्छा लगता है। मेरे इसमें भी सोच रहा हूँ ऐसे लगाने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा ही खर्चा हो जाएगा। ओहो हो, तो ये देखो, मतलब बेसिकली है ना ये सिटी में थोड़ा सा मतलब हैवी लगती है एज़ कम्पेयर, क्योंकि मैं आरसी चला चला के मेरे को थोड़ा ये हो गया है ना, रेगुलर बेसिस पे मैं चलाता रहता हूँ उसको। तो इसको अभी मतलब मैं सेकेंड टाइम चला रहा हूँ एज ऑफ नाउ, क्योंकि पहला तो अपने दोस्त के पास चलाया हूँ मैं। तो सिटीज़ में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल मेरे को लग रहा है अभी। अभी वो राइडर के ऊपर डिपेंड करता है, वैसे तो मैं 6 फीट हूँ तो ऐसे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। शायद इधर ही, हाँ इधर ही किधर रोक के अच्छे से वीडियो बनाएंगे। मतलब एकदम इसमें कैसा है, एकदम से नहीं खींच रहा है, एकदम से पावर नहीं खींच रहा है, ठीक है। पावर है, ऐसा नहीं कि लैग है। ये देखो इसमें ऐसे नहीं है, 0.0 सेकेंड का लैग नहीं है, सीधा सीधा है। अब ओ सॉरी, उधर ही बनाना था अपने को, ठीक है इधर ही किधर रोक के बनाएंगे आगे से। तो ये देखो घुमाने में मेरी आरसी रहती ना तो घूम जाती है ये, मतलब ये फ्री रह के भी है ना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है। तो चलो यार साइड में रोकता हूँ पहले, फिर बताएंगे कैसे पावर है। तो हैंडलिंग थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है हैंडलिंग। चलो कोई नहीं, साइड में रोक के बताता हूँ कैसे लग रही है, और इसका स्पेसिफिकेशन भी बताता हूँ। सेम स्पेसिफिकेशन है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। वो ये 41.9, मतलब ऑलमोस्ट 42 मान के चलो, 42 BHP मतलब ये निकाल के देती है। रोक के है ना बताता हूँ कैसे लग रही है ये। यहाँ यहीं पर रोकेंगे, ठीक है, फिर ऐसे ही अपने को निकल जाना है। एकदम हाथी, एकदम बहुत बड़ी, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, ठीक है, लेकिन बैठ के वो फील लेने से है ना ज़्यादा और ब्रॉड लगती है। तो इसके अंदर आपको स्पोक्स व्हील आते हैं, अलॉय व्हील्स नहीं आते। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी इंजन की। सेम इंजन आता है 379cc का लिक्विड कूल्ड इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 42 BHP विथ 39 Nm टॉर्क के साथ। तो कंपनी क्लेम करती है 28 kmpl का, लेकिन ये चलाने के ऊपर डिपेंड रहता है। तो यहाँ पर आपके वही टॉगल स्विच, मतलब स्विच कंट्रोल, आपका जो डिस्प्ले है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो इसमें बहुत सारे ABS मोड भी मिल जाते हैं, ट्रैक, ये MTC क्या है आई हैव नो आइडिया, तो इसके बारे में बात करने के लिए नहीं जाएंगे। तो यहाँ होगी RPM, मेरे को ये अच्छा लगता है ये जो है ना RPM मीटर। यहाँ हो गया स्पीडोमीटर, और ये हो गया आपका ये गियर इंडिकेशन, और बेसिक सी बैटरी वोल्टेज, ट्रिप लाइनिंग,
और फ्यूल, तो यही सब बेसिक्स थिंग्स मिल जाती हैं इसके साथ। और अभी कंपनी जो है ना, कंपनी फिटेड यहाँ पर आपको 12 वाट के लिए, मतलब जो कार में प्लग इन करते हैं वो वाला चार्जिंग पॉइंट भी मिल जाता है इधर। तो एक बार इसका साउंड भी सुनना बनता है थोड़ा सा, मतलब एक विजल साउंड है, ज़्यादा मतलब लाउड नहीं है, बेस ही नहीं है, विजल साउंड है, लेकिन अच्छा है। लेकिन क्या है ना, ये भी कंप्रेस भी हो सकता है, रिबॉन्ड भी हो सकता है ये वाला, और पीछे का भी एडजस्टमेंट हो सकता है अंटिल व्हाट पर्पस यू वांट। तो क्योंकि ये बनी ही है ऑफ रोडिंग के लिए, तो सिटीज़ में थोड़ा सा मतलब, ये देखो ना, मैं बैठा हूँ, मेरे को ऐसे लग रहा है कि एकदम बहुत बड़ी, जैसे ट्रैम की टाइगर ऐसे कुछ यूज़ कर रहा हूँ मैं, ऐसे लग रहा है मेरे को। लेकिन फ़िलहाल के लिए ठीक है एज ऑफ नाउ, क्योंकि जैसे जैसे मतलब आदत लगेगी ना किसी को, जैसे बता रहा था अभी कैमरा जो है ना एकदम हैंग कर गया, तो जैसे बता रहा था कि इसमें जो है थोड़ा सा मतलब हैवी लग रही है, लेकिन आपको देखना चाहिए था, इतना अच्छा पिकअप लिया भाई इसने, पावर के हिसाब से ना एकदम बढ़िया था। जो मतलब पावर के हिसाब से, मतलब लॉन्ग टूरिंग के लिए लेना चाह रहा है ये, आई डेफिनेटली सजेस्ट यू। लेकिन अगर आप पॉकेट फ्रेंडली देखना चाह रहे हो तो आई डोंट सजेस्ट यू दिस वन। आप इसके बदल, मतलब इसके जगह पे जो है एक्सपल्स ले सकते हो, इट्स बेटर ऑप्शन, क्योंकि एक माइलेज मिलेगा और रिलायबिलिटी थोड़ा सा मतलब कंपेयर टू इससे। लेकिन जैसे पावर चाह रहे हो ना आप, वैसा पावर नहीं मिल सकता है, तो ये भी आप थोड़ा माइंड में रखो। तो होप करता हूँ कि ये वाला थोड़ा सा मतलब आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो लाइक करने का, अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का, एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। तो मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, बाय बाय।